एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर 10वीं कक्षा में भी हो सकता है इंटरनल असेसमेंट। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से कि 10वीं की कक्षाओं में भी दोस्तों प्रमोशन की बात चली। देख सकते हैं यहाँ पर 9वीं और 11वीं की तरह 10वीं के छात्रों को राहत देने की तैयारी अब एमपी बोर्ड के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों पूरी खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं जानकारी क्या बताई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए आगे भी परीक्षा को कराना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। बताया जाता है कि अब 9वीं और 11वीं की तरह 10वीं में भी इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से दोस्तों अब आपकी वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। 12वीं में ओपन बुक एग्जाम कराए जा सकते हैं। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फिलहाल अभी स्थगित कर दी है, जो कि आपके मई माह में होनी थी अब उसे जून के लिए टाल दिया गया, लेकिन अभी उस पर विचार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे जून में भी परीक्षाएं नहीं ली जा सकती हैं। इस लिहाज से दोस्तों लगातार एमपी बोर्ड जो बैठकें जारी कर रहा है उसमें लगातार, क्योंकि अभी सीबीएसई के माध्यम से 10वीं की परीक्षा के लिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दोस्तों रिजल्ट जारी करने का आदेश पारित कर दिया गया है। अब एमपी बोर्ड भी लगातार प्रयास कर रहा है कि 10वीं कक्षा में मूल्यांकन यानी इंटरनल मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, जिसके क्या क्या मूल्यांकन होंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार दोस्तों 10वीं के छात्रों को परीक्षा परिणाम उनके अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम और रिविजन टेस्ट के आधार पर दोस्तों आपको 10वीं में अंक दिए जाएंगे। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसके बारे में दोस्तों निजी स्कूल जो है उनसे जानकारी मांगी जा रही है। उनसे सहमति बनने के बाद दोस्तों एमपी बोर्ड जल्द ही इस पर फैसला लेगा। दोस्तों यहां पर जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी ने, उन्होंने भी बहुत बड़ी जानकारी दी, तो इस जानकारी को समझ लेते हैं। यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाओं। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं? घबराइए मत, सबका सलूशन है डाउटनेट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सलूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। और रिजल्ट को लेकर के लगातार मंथन जारी है, लेकिन जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। जल्द ही दोस्तों 10वीं की जो कक्षा है इस पर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दोस्तों एग्जाम लिए जाएंगे, इस पर जल्द ही इस पर फैसला आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।